अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। घटना शुकोबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, जहां दो पल्सर सवार अज्ञात हमलावरों ने पैदल जा रहे युवक को गोली मार दी, जो कि युवक के पैर में जौ लगी, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई व घायल युवक को शुकोबाद स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उसके बाद युवक को फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। वहीं घायल युवक के परिजनों का कहना है कि युवक दरीचे बनवाने का कार्य करता है, उसी काम से वह काशीराम कॉलोनी जा रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। मोहम्मद इकबाल, क्या घटना हुई है इनके साथ? सर, ये काशीराम में गलीचे का काम करवाते हैं, तो ये अपना काम कराने के लिए जा रहे थे। वहाँ से कुछ अज्ञात बदमाश पल्सर बाइक बता रहे हैं पर आए थे, तो फायरिंग करते हुए निकल गए। इनके पैर में ऐसे मतलब लग गए, इनको कुछ पता नहीं है ना लोगों को, वो जानते हैं। नहीं, कितने लोग थे जो फायरिंग करते हुए गली में निकल गए? दो लोग थे। वो पल्सर पे थे? पल्सर। किधर चले गए? वो नौशेरे के साइड चले गए। क्या कोई रंजिश थी, क्या था, क्यों, किस कारण फायरिंग की? ये क्या करते हैं? ये तो मतलब पेंटे बनाते हैं, गलीचे का काम भी है इनका। इनकी कोई लड़ाई वगैरह झगड़ा रहा कुछ नहीं, बहुत सज्जन आदमी। क्या मामला है? अभी शुक्रवार थाने की पुलिस एक व्यक्ति को घायल अवस्था में लाई थी, उसके पैर में एक घाव था, वहाँ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम लोगों ने एग्जामिन किया है, उसके परिजन बोले कि हमें इलाज फिरोजाबाद कराना है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया। क्या गोली जैसा घाव लग रहा था, क्या था? नहीं, अब ये तो एक्सरे और उसके बाद में पता लगेगी उसमें अंदर क्या है। ब्लीडिंग तो लेकिन हो रही थी, घाव भी था।